हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी का प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो आ चुका है बेसिकली, एंड आप लोगों का जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंट होंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ पढ़ाई की। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आने वाले 4 से 5 मिनट आप मुझे देंगे, मैक्सिमम 6 7 मिनट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या आपको करना चाहिए जो आपके लिए आगे बहुत बेहतर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इसी वीडियो में। देखिए, सिलेक्शन ना होने का रीज़न क्या है? देखिए, एक रीज़न तो होता है मे बी आपका हो बैड लक। बैड लक एज इन आपका प्रीलिम्स में आधा नंबर एक नंबर कम रह गया है, तो फिर ये बोल सकते हैं चलो ठीक है यार, उसमें बैड लक था, कोई क्वेश्चन में फंस गया, नहीं हुआ, किसी रीज़न से छूट गया। तो इसमें आप बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। अगर आपके 0 से 2 मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, मार्क्स शायद अभी डिस्प्ले नहीं किया है एबीबीएस ने, लेकिन अगर आपके कट ऑफ से 0 से 2 मार्क्स कम है, तो आप इसमें जो है बिल्कुल भी वो मत करिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ यार, अब क्या है, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ये सब बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपके इतने ही मार्क्स कम है, इसका मतलब है आपने प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से की थी। थोड़ा सा बैड लगता है, कोई क्वेश्चन फंस गया, थोड़ा सा ही क्वेश्चन आप कम कर पाए और उसे किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया, जिस वजह से जो है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा नंबर आता है कि आपने भाई साहब प्रिपरेशन ही नहीं की, आपने एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था और बस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा इधर उधर किया। पहले तो आप वेट कर रहे थे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है आपने 15 दिन सिर्फ पढ़ाई की और एग्जाम दिया है और कट ऑफ गई 40 और आपके मार्क्स आ रहे हैं 30 28। तो इस कंडीशन में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई आपने जब मेहनत ही नहीं की तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में बेसिकली आप करना क्या है, एक ही चीज़ करना है आपको, वो है मूव ऑन। मतलब आप इस एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी सोचना छोड़ दीजिए, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए और पूरी जोर शोर से आईबीपीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा होगा, नहीं भरा है तो आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भर दीजिए, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। एंड आईबीपीएस क्लर्क की जोर शोर से प्रिपरेशन करिए। आपका टारगेट पीओ रहा हो, कुछ भी रहा हो, क्लर्क ही भरिए। इतनी ख़राब जॉब नहीं है जितना कभी कभी मेरे वीडियो में लगती है। बैंक की नौकरी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन वो दिक्कत आपके अकेले के साथ नहीं है, 10 लाख बैंकर्स नौकरी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पहला एम यही है, जॉब आपको मिले। दूसरा, उसके बाद फिर टारगेट आप सेट कर सकते हैं कि भाई कोई आपके अकॉर्डिंग जॉब मिले जिसमें टाइम कम हो, बाकी चीज़ें हों। देखिए, पहला काम तो आप ये करिए कि अभी आपको गलतियाँ क्या क्या आइडेंटिफाई करनी है खुद में, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहला काम आपको ये करना है कि आईबीपीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपना 200% देके स्टार्ट कर देनी है और इसी साल एग्ज़ाम क्रैक कर देना है। इसके लिए सिर्फ नेक्स्ट 20 डेज़ का हमने डे बाई डे स्टडी प्लान दिया है आईबीपीएस क्लर्क का, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक ऐड पे क्लिक कर दिया करिए। देखिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वेबसाइट www.goldencareer.co.in खोलिएगा, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करिएगा। ये है आईबीपीएस क्लर्क योर सक्सेस डे बाई डे स्टडी प्लान, ये सिर्फ नेक्स्ट 20 डेज का है, इसे 20 दिन फॉलो करिए, देन हम नया प्लान देंगे। और ये वो ऐड डिस्प्ले हो रहे हैं जिन ऐड पे मैं क्लिक करने की बात कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कर देंगे। एग्जाम कब है आपका? 7 दिसंबर। आज क्या है आपकी, मान लीजिए 20 सितंबर, मानिए आप 20 सितंबर से आप स्टार्ट करेंगे, 10 दिन बचे सितंबर में, ठीक है, 30 दिन बचे अक्टूबर में, आपके 30 दिन लॉन्ग फिगर में रखते हैं सारे, 30 मानिए नवंबर में, 5 मानिए दिसंबर में, इतने दिन हो गए आपके पास, 30 30 60 70 5 75 दिन। और क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए मैं 80 to 100 डेज मोर देन इनफ मानता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये है कि आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, मोर देन इनफ नहीं बोलूंगा लेकिन इनफ टाइम है। थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा देना होगा। इनफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पहले से पढ़ाई की हुई है, आप आरआरबी क्लर्क में फेल अभी अभी हुए हैं, फेल को बुरा मत लीजिएगा, फेल हुए हैं तो हुए हैं, फेलियर सबके साथ होता है, ठीक है। मैं भी 2 साल से सोच रहा हूँ, आरबीआई ग्रेड भी दूंगा, वैकेंसीज भी आ गई हैं, लेकिन मुझे पता है मैं फेल हूँगा क्योंकि पढ़ाई तो हो ही नहीं पाती है बैंक के साथ यार, सुबह 9 से शाम 7 तो बैंक में ही बच जाते हैं, पढ़े तो पढ़ेगा। तो फिर ये 75 डेज में आपको चीज़ों को मैनेज करना है। 2 दिन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, 2 3 दिन यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ठीक है, इस तरह से वो सब छोड़िए भाई। बीच में दिवाली भी तो पड़ेगी, अब दिवाली पे कितना पढ़ पाएंगे, 2 दिन तो फेस्टिवल को देना पड़ता है, उस दिन 1 1 घंटे पढ़ाई हो पाए, मे भी गैप मत करिएगा पढ़ाई में। तो पहले तो आप डे बाई डे स्टडी प्लान डाउनलोड करिए, 20 दिन के लिए जो लिखा है वो वैसे करिए, आपको श्योर है कि फ़ायदा मिलेगा, खुद में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अब होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए। नंबर 1, फेल्योर का आपका रीज़न क्या है, कॉन्फिडेंस
कॉन्सेप्ट, क्या सारे सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स हैं इनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे? नहीं थे तो उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। नंबर दो, क्या आपको जो मैंने डेली बूस्टर्स देता हूँ मैं आपको, क्या आपने वो सॉल्व किए थे? नहीं किए थे तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक दो ऐड पे क्लिक करने बोलता हूँ, कोई पैसा लेने नहीं बोलता हूँ। इसमें आपका बेनिफिट है, हमारा भी है, अगर हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो उसका बेनिफिट है, लेकिन नहीं करते तो सिर्फ आप ही आपका बेनिफिट है कि आपको जो है यहाँ पर डेली बूस्टर्स मिलते हैं। एंड वंस अगेन, ये हमारे बूस्टर नहीं है, अच्छी अच्छी वेबसाइट से मैं डाउनलोड करता हूँ, दो तीन चार में डाउनलोड करता हूँ, देखता हूँ जिसके क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चन अच्छे दे रहे हैं, तो उस वो आपके साथ शेयर करता हूँ। डेली बूस्टर्स को सॉल्व करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। नंबर तीन, लास्ट टाइम जब आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या आप डेली पढ़ाई को सीरियसली टाइम दे रहे थे? डेली कम से कम 6 आवर्स दे रहे थे आप? नहीं दे रहे थे तो करेक्ट करिए, 6 आवर पढ़ाई को दीजिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करिए। टाइम बच रहा है आपके पास डेली शेड्यूल में से, मतलब आपकी पढ़ाई 4 ही घंटे में हो गई, 2 घंटे फिर भी बच रहे हैं, तो कुछ और करिए, इंग्लिश पे फोकस करिए। नंबर फोर, इंग्लिश को लेकर के मैंने बहुत बार बोला है कि मैंने वेबसाइट पे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक अवेलेबल कराई हुई है, क्या आपने वो अभी तक सॉल्व की है? आधी बुक भी सॉल्व हो गई है? नहीं हुई है तो उसको करेक्ट करिए, चीज़ें अपने आप सिलेक्शन होगा, सिर्फ चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। नंबर पाँच, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने ये बोला था कि दोस्तों के साथ घूमना जाना आना, आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, मे बी आपकी गर्लफ्रेंड होंगे, बॉयफ्रेंड्स होंगे, ठीक है, उन सबको मैंने बोला था कि आप 6 मंथ्स के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए चीज़ों को, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं, और मैंने ये भी कहा था ऐसा नहीं दोस्तों के साथ जाना नहीं है, घूमना नहीं है, मूवी नहीं देखनी है, थोड़ा थोड़ा करिए। क्या आप उन सब चीज़ों को अवॉइड किया था? मतलब अवॉइड का मतलब क्या है कि मैक्सिमम टाइम आपका कहाँ जा रहा था? मैक्सिमम टाइम आपका पढ़ाई पे जा रहा था, या आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो फ्रेंड्स के साथ जो है जा रहा था? अब आप बताइए, रिलेटिव्स हो गए, टीवी हो गया, क्रिकेट हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं, आप मैच ही देखते जा रहे हो, यूट्यूब के वीडियोस हो गए, काम के नहीं फर्जी वाले वीडियोस, हाँ पढ़ाई के वीडियोस देखेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, पढ़ाई के ही देखिए। अगर इन चीज़ों पे आपके दिन का मैक्सिमम टाइम जा रहा है तो फिर आप रॉन्ग पाथ पर हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है टाइम, आप पढ़ाई कर रहे हैं मैक्सिमम, तो ऊपर के चार्ट देखिए कि भाई इनमें क्या आपसे मिस्टेक हो रही है। नंबर सिक्स, क्या आपने इनफ मॉक टेस्ट सॉल्व किए? इनफ मॉक टेस्ट अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो करिए। 75 दिन में कितने मॉक टेस्ट? मेरे हिसाब से 15 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, मतलब 5 दिन पे एक मॉक टेस्ट देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, लास्ट के एक वीक ज्यादा मॉक टेस्ट दे लीजिए, मॉक टेस्ट आपकी हेल्प कराते हैं। नंबर सेवन, जस्ट मिनट, सेवन नंबर पे, ऑनलाइन क्विजेज हमने कराई हैं, कुछ नहीं कराई हैं अभी तक, सर 8 ही 10 हुई हैं, अब मैं ज़्यादा अपडेट करूँगा, थोड़ा सा टाइम अगर मिल जाए तो मुझे, मैं कोशिश करता हूँ डेली, अगर अपडेट 2 दिन पे भी एक अपडेट हो जाए तो बढ़िया है। ऑनलाइन क्विजेज क्या आपने सॉल्व की हैं? नहीं की हैं तो उसके लिए मैं बता दूँ, वेबसाइट पे आप जब होम पेज पर जाते हैं ना, goldencareer.co.in जब आप ओपन करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इस पर क्लिक करिएगा, आप ऑनलाइन क्विज, फ्री रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ फ्री है। अगेन वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्विज का भी कोई पैसा नहीं है, तो यार चीज़ों पे काम आपको करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इतनी चीज़ें करते हैं तो भी आप एक गलती क्या करते हैं, नंबर एक गलती, आप जीए जो है कंप्यूटर, सॉरी जीए जनरल अवेयरनेस, या फिर आप जनरल अवेयरनेस तो नहीं, करंट अफेयर्स होता है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो बैंक इंश्योरेंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन पे आप साथ साथ फोकस नहीं करते हैं तो भाई प्रीलिम्स निकल गया तो लैकिंग मेंस में हो जाती है। इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, पढ़िए जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पर फोकस करिए। अगर फिर भी आपको लगे इतना, आप 20 दिन 25 दिन करिए, फिर आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, आप मॉक देंगे उसमें वो आपको झलकेगा कि यार मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, लगे तो आप फॉलो करिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सब 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 आपने किया है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा ही बैड लग रहा होगा कि आप कहीं चूक गए होंगे, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि आप इतनी प्रैक्टिस और सब चीज़ें करें और आपका प्रीलिम्स एग्जाम ना क्रैक हो। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे मत जाइएगा कभी कि 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, 20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, हार्डली 7 से 8% लोग होते हैं जो सीरियस प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे होते हैं, मोर देन 90% लोग होते हैं बस ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, बगल वाले ने भाई पीओ का फॉर्म भरा है मैं भी भरूंगा, ठीक है, तो पीओ का फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है, होता है जब आप मेहनत कर लें, पढ़ाई कर लें।
चीजों पे फोकस करिए, पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दीजिए। कल पे अगर डाल दिए कि हाँ यार ठीक है देख लिया कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो कभी नहीं कर पाएंगे। आज से कर देंगे तो 200% कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।